तो यार ड्रैगन बॉल सुपर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गोकू और वेजिटा के सामने इतनी आसानी से कोई टारगेट रख दिया गया कि एक ऐसा शख्स है जिसका पावर लेवल इतना है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे सामने ये चीज रख दी गई थी कि ऐसे मॉर्टल्स होते हैं जो खुद अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर होते हैं, लेकिन यूनिवर्स 7 में अब गोकू और वेजिटा के सामने एक क्लियर टारगेट आके खड़ा हो गया है। ड्रैगन की जो बात थी वो ये थी कि ग्रेनुला को वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना देगा, लेकिन वो गॉड्स के बराबर का उसे लेवल नहीं दे सकता, जिससे ये साफ है बीरस अगर फाइट में आता है तो उसके लिए ग्रेनुला इतनी बड़ी बात नहीं है। और विस ने भी जाने से पहले ये बात गोकू के दिमाग में डाल दिया था कि वो लोग इस बात का ध्यान दें, अगर हालात एकदम बिगड़ भी जाते हैं तो वो उससे होप्स ना रखे, क्योंकि वो सिर्फ एक एंजल है और एंजल्स मॉर्टल के बीच में दखल नहीं दे सकते हैं। विस को भी अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है कि जो गोकू और वेजिटा अभी है वो शायद इनफ नहीं होने वाला ग्रेनुला के सामने, उन्हें खुद के पावर लेवल में बहुत अलग डिफरेंस लाना होगा वरना बाद गोकू और वेजिटा की जान पर आ जाएगी। अब वक्त है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर जाने का और वक्त है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बाहर जाने का। और लगातार 2 चैप्टर से ही विस इस बात का जिक्र करते आ रहा है कि गोकू वेजिटा को दोनों को जरूरत है कि वो खुद के पावर लेवल से सिर्फ ग्रो ना हो, अब वो उस चीज से बाहर निकले, अब वो ऐसे पोजीशन पर जाए जहां एंजल्स और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। कहने में बहुत बड़ी बात है कि एक मॉर्टल एंजल से ऊपर और मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, ऑलरेडी एक मॉर्टल गॉड के ऊपर है। और विस का गोकू के चेस्ट पर वो सिंबल बनाना ही एक बहुत बड़ा हिंट था, इवन बीरस ने उसे खुद अपोज किया था कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ट्रेनिंग के नाते वो वेजिटा को एक साइन दे सकता है। लेकिन हमने ये कहीं नहीं देखा है एंजल कोई दूसरी ब्रीड का हो। जितने भी यूनिवर्स में एंजल मौजूद है वो सारे के सारे ग्रैंड प्रिस्ट की औलाद में से एक है, जिनका सभी यूनिवर्स पर कंट्रोल है। लेकिन क्या फ्यूचर में एक ऐसा कोई मॉर्टल आएगा जो इतनी क्षमता रखता हो कि वो एक एंजल की पोजीशन को होल्ड कर सके, या अगर वो एंजल की पोजीशन होल्ड भी ना कर सके तो एंजल के बराबर का वो शख्स हो या कल का ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एंजल की पोजीशन दे सके? इसका सीधा जवाब है नहीं, शायद गोकू खुद से वो पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि अगर एंजल की पोजीशन पर वो बैठता है तो फिर ना तो वो लड़ सकता है ना तो कोई मैटर में इंटरप्ट कर सकता है। लेकिन विस चाहता है कि मैं गोकू को इतना काबिल बना दूं कि आने वाले वक्त में गोकू मेरे पावर लेवल के आसपास पहुंच जाए, अगर मैं नहीं लड़ सकता तो ये उन चीजों से लड़ सके। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ अभी शायद एंजल का 1% ही है जो गोकू अभी सीख रहा है। ऐसी और कितनी चीज एंजल्स के पास होती होगी जो अभी गोकू को सिखाना बाकी है, जिसकी वजह से विस ने ये कहा है कि वो खुद चाहता है कि वो लोग ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और फॉर्म से बाहर निकले और खुद को थोड़ा दूसरे लेवल पर लेके आए, जहां वो और भी चीजों को अनलॉक कर सके जिस चीज से वो अभी काफी दूर है। और इस चीज को वो जानते भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है जिसको वो हासिल कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सिर्फ ग्रो करने तक नहीं रह जाएंगे। ग्रो करना अलग और एक लेवल को क्रॉस करना अलग होता है। तभी विस ने कहा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है उसे एक बूस्ट की तरह इस्तेमाल करो, तभी करो जब बैटल में उसकी जरूरत पड़े। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तुम कैसे भी रह सकते हो, जरूरत नहीं है तुम्हें खुद को हर वक्त बूस्ट रखना पड़े। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको हासिल करके गोकू समझ रहा है कि बस यही मास्टर करना है और वही इसे मदद करेगी पूरे बैटल को खत्म करने के लिए, क्योंकि गोकू का सारा फोकस ही सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर ही आके अटक गया है। तभी विस ने गोकू को जस्ट पिन करने के लिए ये चीज कहा कि अब जल्दी इस फेस को खत्म करो, और वही नई चीज को बताने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए विस ने कहा है कि अब तुम लोग के पास वक्त नहीं है ग्रो करने का। ग्रो करना खुद को स्ट्रांग करने के बराबर नहीं होता, बस तुम दोनों खुद को पॉलिश कर रहे हो और वही एक चीज में तुम दोनों खुद को परफेक्ट कर रहे हो। तुम दोनों आगे नहीं बढ़ रहे, बस परफेक्ट बन रहे हो, वो भी एक ही चीज में। विस इस चीज का गोकू और वेजिटा को एहसास दिलाना चाहता है, लेकिन गोकू और वेजिटा समझ नहीं पा रहे कि आखिर विस कहना क्या चाहता है। तभी उसने वेजिटा को कह दिया ना, टाइम ना तुम्हारे पास है ना गोकू के पास है, आने वाला वक्त ही तुम दोनों को एहसास दिलाएगा कि तुमको कहां होना चाहिए था। और इसका ध्यान रखना, मैं एक एंजल हूं तो कैसी भी सिचुएशन हो जाए मुझसे उम्मीद मत रखना। विस का इनडायरेक्टली यही कहना था कि शायद गोकू और वेजिटा रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने जितना भी सीखा है, जो भी सीखा है, जितने बड़े बड़ों को सबको हराया है, जितना भी उनके पास एक्सपीरियंस था और है, वो सब उनका आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जिसमें उनको विस की ये बात याद आएगी कि वो अभी इतने काबिल नहीं है कि वो ये कह सके कि वो बहुत ऊपर के लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा सीख गए हैं जिस तक पर जल्दी कोई आ नहीं पाता। उनको ये एहसास होगा कि वो अब भी बहुत नीचे हैं और उन्हें अभी और काफी लंबा सफर तय करना है, और उन्हें सब वो जो सीख कर गए हैं उन्हें लगेगा कि जितना हमने सीखा, जिसमें हमने परफेक्ट होने की कोशिश किया, वो सब काफी मामूली लग रहा है। ये तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है, इसे काम करना चाहिए था, वो ये सोचेंगे। ये तो एक एंजल की टेक्निक थी, इसे तो काम करना चाहिए था इस पर, वो ये सोचेंगे। तभी विस ने एक और बात कह दिया था कि तुम लोग को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि जितना तुम लोग के पास है वो इनफ है, और जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम लोग उससे हर वक्त भिड़ जाओगे, और ये सोचना कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसको तुम लोग आराम से संभाल लोगे, या नहीं भी संभाल पाए तो कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लोगे। ये मत सोच के चलो,
यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम दोनों को नीचे लेके गिरेगा। हर वक्त ये सोचना कि तुम लोग फिगर आउट कर लोगे उसकी कमजोरी, निकाल लोगे या खुद को अपने आखिरी पावर लेवल पर लाके उसको हरा दोगे, ये हर वक्त अपनी सोच में ही मत रखो। हो सकता है कि तुम लोग ने जितना भी सीखे हो पैदा होने से लेके अभी तक, वो रत्ती भर भी 0.1% भी सामने वाले के ऊपर काम नहीं आएगा। चलो मोरो के साथ बैटल कर लिया, वो शख्स तुम्हारे आसपास का था, जिरेन से कर लिया, वो शख्स तुमसे थोड़ा बहुत ऊपर था, ब्लैक कोको से कर लिया, वो भी ऐसा था जिससे तुम लड़ सकते थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखना कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम लोग उसके सामने खड़े हो जाओगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वरना वीस को क्या फिक्र होती इनकी, वीस भी जानता है कि कोई भी आ जाए ये इतने कैपेबल हैं कि लड़ तो सकते हैं उस प्रॉब्लम से, अगर लड़ नहीं पाए तो कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम ये लोग इतने कैपेबल हैं कि कुछ देर के लिए उसका वक्त जाया कर सकते हैं। लेकिन ये बार उसे इन तीनों चीज में से कुछ नहीं लगता। ये प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ वो गोकू और वेजिटा को कैपेबल ही नहीं समझता लड़ने के लिए। अभी की सिचुएशन में उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये बार गोकू और वेजिटा पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसमें वो दोनों ही खुद को मजबूर पाएंगे और मिराकल ही उन्हें बचा सकता है और कोई नहीं। तभी उसने खुद को कह के ये अलग कर दिया कि मुझसे मत पूछना, मैं सिर्फ एक एंजल हूँ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। खैर ये आर्क में ऐसा क्या नेक्स्ट लेवल हो जाएगा वो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। क्या ऐसा मिराकल होगा जो गोकू और वेजिटा को मदद करेगा ग्रेनोला को नीचे लाने में? आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, और वीडियो को लाइक करो अगर आपको मेरी थियोरी अच्छी लगी, और अगर आप मेरी थियोरी से अग्री करते हो कि ये बार पक्का कुछ ऐसा होने वाला है तभी वीस को ऐसा ऐसा लग रहा है। और चैनल को यार हमारे सब्सक्राइब कर दो जिससे हमारे जल्दी से जल्दी 400 के हो जाए, जल्दी करो यार, क्यों नहीं करते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।